होली के मौके पर आपने इतना अच्छा कार्यक्रम के लिए हमें शिरकत दी है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आचली परिवार की ओर से एक प्रधान होने के नाते, एक भाई होने के नाते आपका हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद। बहुत अच्छी होली हो रही है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर है, मैं कई जगह आजम जो लगा दे गया, लेकिन आप यहाँ जो उत्साह दिख रहा है, ये इनके साथ सहयोगी लोग भी आए हैं, हमारे भाई हैं, कई बार पहले भी आए हैं, हम इनसे निवेदन करेंगे कि हमारे सारे लोग कवरेज करें और कल मीडिया में टीवी में दें, ये मैं इनसे निवेदन करूंगा कि कल के टीवी में, कल के इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आए और कल के पेपर में आए, ये हम राशनी की ओर से इनसे डिमांड करते हैं, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। रंगों की बौछार के बीच मनाया गया होली का पर्व, फिल्मी गानों की धुन पर झूमे राजस्थली के लोग। राजधानी दिल्ली में रंगों की बौछार के बीच होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पीतमपुरा के राजस्थली में महिलाओं तथा युवाओं में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिला, जहाँ सभी ने एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर पर्व की खुशी मनाई। होली के गानों पर महिला तथा युवा झूमते नजर आए। इस अवसर पर कोहाट वार्ड के निगम पार्षद अजय रवि हंस तथा राजस्थली अपार्टमेंट RWA के प्रधान रमेश बजाज ने निवासियों को होली की बधाइयां दी। हमारे मुख्य संपादक RK जायसवाल जी ने होली खेल रहे लोगों से बातचीत की, देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। RK जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूं पीतमपुरा के सबसे बड़ी सोसाइटी राजस्थली में। आज पूरे देश की राजधानी दिल्ली में होली की धूम है, होली की मस्ती चढ़ने लगी है लोगों पर, और यहां पे पहुंचे हैं कोई नेता का अभिनेता, सारे लोग यहां पे आ रहे हैं। प्रधान जी, किस तरह से मना रहे हैं आज आप लोग? ये बड़े ही हर्ष का विषय है, आज हर्षोल्लास के साथ। 2 साल कोविड काल में हम लोग ठीक ढंग से होली नहीं मना पाए थे, इस साल लोगों में अपार उत्साह और स्नेह है। इन लोगों ने जम के होली मनाई है, खूब रंगों के साथ, फूलों के साथ होली मनाई है, एक दूसरे गले मिले हैं, दूसरे का सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोगों ने एक दूसरे का अभिवादन किया है। हम सभी लोग आभार व्यक्त करते हैं राजस्थली परिवार की ओर से, राजस्थली के प्रधान होने के नाते हम सब लोग का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में इस क्षेत्र के निगम पार्षद आए हैं, मैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आनंद जी आए हैं, मंडल अध्यक्ष आए हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक नोटिस पर आए हैं, विशेष रूप से मैं इनका आभारी हूँ कि इन्होंने मेरी बात को रखी, इतने व्यस्त समय में इन्होंने अपना समय निकाला
निकाला। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए कारगर है और हम इनका स्नेह आभार व्यक्त करते हैं और स्नेह देते हैं। आने वाले समय में हम विश्वास करते हैं कि हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। मंगल कामनाओं के साथ होली में आप सभी लोग की बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। रवि जी पर अब होली का रंग चढ़ने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी, आज राजस्थली के प्रांगण में रहकर हमें लगता है कि लोगों ने होली खेली है। धन्यवाद। जैसा कि हमारे प्रधान भाई रमेश बजाज जी ने कहा कि कोविड कार्यकाल के दौरान होली का बहुत कम हम कर पाए थे, उसमें नहीं खेल पाए थे ढंग से, तो आज राजस्थली अपार्टमेंट के सभी निवासियों को भारतीय जनता पार्टी कोहाट मंडल की तरफ से मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से ये होली का कार्यक्रम आज यहाँ मनाया जा रहा है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देख रहे हैं, आइए कुछ महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। पूरा होली का रंग चढ़ गया है आपके ऊपर? हाँ जी, पूरा चढ़ गया है। मैं शुभ्रा बंसल सभी को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे देश को जैसे मोदी जी ने रंगीन बनाया हुआ है, ऐसे ही हमारी सोसाइटी में रमेश मजाज जी हैं। उन्होंने होली का पर्व इतनी सुंदर तरीके से आयोजित किया है। सभी ने बहुत ही आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ होली मनाई है। सुबह हमने नाश्ते का आनंद लिया, उसके बाद डीजे, कवि सम्मेलन, बहुत ही आनंदमय होली सबने मिलकर मनाई है। धन्यवाद करते हैं हम हमारे रमेश बजाज जी का। ऐसे ही आगे भी हमें आनंद की अनुभूति दिलवाते रहेंगे। धन्यवाद। होली की मस्ती के रंग आप लोगों पे दिख रही है, बिल्कुल। होली मुबारक हो सभी को। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद हमारे रमेश बजाज जी का नाम है। नहीं नहीं, बराबर है दोनों, मोदी जी। एक मैनेजर से एक ग्राहक जो है वो शिकायत करता है कि आपके होटल में सर्विस वगैरह कोई नहीं है, तो मैनेजर कैसे डांटता है सुनिए। वो सुनता कौन नहीं है, वो कुत्ते की तरह एक घंटा से भौंकने लग रहा है। अगर नहीं सुनेगा तो कैसे काम चलेगा, कौन कांजर हमारे यहाँ खान वास्ते आओगा। वो उसी के सामने इतनी लंबी लंबी फेंक देता है, वो बेचारा दुम दबा के भाग। देख रहे हैं किसने महिलाओं में पूरा एकदम उत्साह दिख रहा है, होली की मस्ती है। और यहाँ पे आनंद जैन जी भी पूरा मस्ती ले रहे हैं पूरा एकदम। सर्वप्रथम जनपद पुकार के संपादक हमारे आर के जायसवाल जी को बधाई देता हूँ। साथ ही जितना बढ़िया आयोजन आज राजस्थली के प्रधान श्री रमेश बजाज जी ने पूरी टीम के साथ मिलकर किया है, मैं राजस्थली की पूरी टीम को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश में चारों तरफ विकास का कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार होली का त्यौहार किस शांतिपूर्ण ढंग से आज देश में मनाया जा रहा है, हमारे साथ में हमारे लोकप्रिय कंपाजा जी रवियन जी भी हमारे साथ में बधाई देने के लिए आए हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों को पुनः बधाई देना चाहता हूँ। देख रहे हैं पूरा रंगों का त्यौहार, एक मस्ती है लोगों के बीच में। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। देखिए हम अभी मौजूद हैं राजस्थली में, जहाँ पर हमारे यहाँ के प्रधान रमेश बजाज जी। रमेश बजाज जी, होली का त्यौहार तो आप खूब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, डीजे पे डांस कर रहे हैं, कविता सम्मेलन भी हो रहा है, और क्या क्या व्यवस्था की गई यहाँ पर? यहाँ पे सुबह से हम लोगों ने नाश्ते की व्यवस्था की थी, रंगारंग कार्यक्रम का व्यवस्था किया था, कवि सम्मेलन किया था जिसमें जाने माने कवि पी के आज़ाद, विनय विनम्र, निर्मला शर्मा भी आई थी और कई लोग आए थे। पूरी सोसाइटी दो साल के कोविड के बाद इस बार बृहद जो कार्यक्रम हुआ उसमें झूमे, नाचे, गाए, कई नेता लोग आए, कई पदाधिकारी लोग आए, सभी लोगों ने जैसे कि आनंद लिया। SHO रानीबाग थाने भी आए थे श्री चंद्रशेखर जी, और रवि हंस जी जो हमारे निगम पार्षद है, आनंद जी जो मंडल अध्यक्ष हैं वो भी आए थे, जान कई संस्थाओं से लोग आए थे, मावड़ी बिहार मैत्री संघ से आए थे, मावड़ी मैत्री संघ से लोग आए थे। हम सभी लोगों का राष्ट्रीय परिवार की ओर से उन लोगों का होली मंगलमय अबीर गुलाल के साथ स्वागत किया और आनंदित किया। आज हम लोगों ने दिन में 2 बजे से खाने का इंतजाम किया, इसमें 1500 आदमी की व्यवस्था की गई है। ये हर साल व्यवस्था की जाती है, कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों से थोड़ी मतलब कोताही बरती गई थी, लेकिन इस साल के लोगों को उत्साह को देखते हुए हम लोगों ने पूरी जोर कोशिश की है कि इसमें बढ़िया से बढ़िया हो, लोग आनंदित हो। खास करके आप जायसवाल जी जो मीडिया के प्रभारी हैं और मतलब आए हैं हमारे बीच में, हम अपने सहयोगी के साथ हम इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और इन्होंने इतने कीमती समय में अपना टाइम निकाला है, इसके लिए राजस्थली परिवार की ओर से प्रधान होने के नाते हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई भी हैं और हमारे पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक भी हैं, इनका बड़ा सहयोग मिलता रहता है। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।